नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक देने वाला हूं जो होगी बिल्कुल आसान और सरल। देखिएगा दोस्तों, आपने भारत का नमक खाया है तो भारत के बारे में जान ही लीजिएगा। आपने अगर नमक खाया है तो आज नमक हलाल करने का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने याद किया है नमक तो आप देखिएगा पूरे भारत की महत्वपूर्ण चीज़ों को आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, देरी न करते हुए हम चलते हैं ट्रिक की तरफ। लीजिएगा, आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके नमक से लेकर के क्वेश्चनों की। ठीक है, देखिएगा भारत के, मैं आपको बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपका बताती हैं ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं गुजरात जिन चीज़ों के मामले में सबसे आगे है, उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। तो देखते हैं, नंबर एक लेते हैं आपका गुजरात। ये गलत लिख दिया, लीजिएगा गुजरात जिन चीजों में, चीजों गलत है, चीजों में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, लीजिएगा। तो मैं दोस्तों बताया था, अगर भारत का आपने नमक खाया तो आज नमक हलाल करने का समय आ गया। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण काफ़ी सारी ट्रिकें बताने वाला हूँ जो भारत में आपको बताएंगे सभी चीज़ों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये लीजिएगा, ये है हम लेंगे ट्रिक है आपके पास में। ट्रिक क्या है? नमक। आप क्या मजाक समझे थे? ये लीजिएगा, यहाँ पर केवल नमक याद करना है। अब देखिएगा, गुजरात जिन चीज़ों में प्रथम स्थान रखता है, में प्रथम स्थान रखता है। देखिएगा, यहां पर लेंगे ना, लेंगे आप ना से बनता है आपका नमक, में आपका बनता है मूंग फली, और तीसरा बनता है आपका कै कपास। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, आप नमक याद करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कि न से नमक, दूसरा आपका मूंगफली और तीसरा आपका कपास है। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत जो आप देखते हैं तो इसमें गुजरात जो है पहले नंबर पर है मूंगफली नमक और कपास के मामले में। तो आप यहाँ पर जो है नमक याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद में आपके नमक से जुड़ी दूसरी ट्रिक आपके पास में है, मैं उसको भी बताऊंगा। क्योंकि मैंने कहा था ना कि आपको बाहर से जुड़ी ही बहुत सारी चीज़ें मैं केवल और केवल आपको नमक से बताने वाला हूँ। चलेगा, तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं दूसरी ट्रिक। कैसा रहा दोस्तों, आपको कैसा लगा बताएंगे जरूर। चलेगा, अगली ट्रिक मेरे पास में है, आपको मैं बताता हूँ इसमें। ठीक है, तो अगला आपके सामने ये लीजिएगा, आपकी दूसरी ट्रिक हमारे पास में 71वें, इसको साफ कर लेते हैं। दूसरी ट्रिक आपके सामने होगी, ये देखिएगा, अगली ट्रिक है 71वें संविधान संशोधन में किस किस भाषा को जोड़ा गया है। लीजिएगा, फिर से वही बात मैंने आपको बताया था कि आपको मैं केवल और केवल नमक के ही बारे में बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि नमक के बारे में किस किस भाषा को जोड़ा गया है यहाँ पर, तो आप इसमें देखेंगे, ये लीजिएगा ट्रिक आपके सामने। यहाँ ट्रिक लिख लेते हैं फिर से, ट्रिक यहाँ पर आपका होता है नमक। ठीक है, ये लीजिएगा, न से आपका बनता है नेपाली, दूसरा मै से बनता है आपका मणिपुर, और तीसरा बनता है आपका कैसे को कणी भाषा। ठीक है, भाषा है, और आपका यहां भी आपका भाषा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा, यहां भी आपकी जो ट्रिक है वो भी आपका नमक से जुड़ी हुई ही ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 71वें संविधान संशोधन में किस किस भाषा को जोड़ा गया है, तो आप ट्रिक याद करेंगे यहां पर नमक, और इन भाषाओं को भी आप याद कर लेंगे।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ जो आपको बहुत खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, लीजिएगा अगला है। देखिए मैंने आपको बताया था गुजरात को आप जोड़ेंगे, गुजरात तो वैसे भी आप जानते हैं प्रथम नंबर पर आता है नमक के मामले में और आपको ये याद भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पर नमक है, मूँगफली है और आपका कपास होता है। दूसरा, आप अगर भाषाओं की बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन के अनुसार, तो न से आपका नेपाली बनता है, से मणिपुर बनता है और कैसे कोकड़ी बनता है। तीसरी ट्रिक हम आपके समक्ष लेते हैं, ये लीजिएगा। तीसरी आपके सामने ट्रिक होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत में, अब भारत की बात करेंगे, ये मैंने आपको बताया था भाषा और राज्य के बारे में। जी हाँ, चलेगा आपके पास में असम के कुछ नृत्य है आपके पास में, असम राज्य के नृत्य, ठीक है। यहाँ फिर से लेंगे, आपके पास में ट्रिक रहेगी, ये बहुत ही खास ट्रिक है आपके लिए। नमक, जी हाँ, ये लीजिएगा। नंबर एक न से लेंगे यहाँ पर, दूसरा आपका मैं होता है और तीसरा आपका क्या होता है, फिर से नमक वाली बात आ गई। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको नमक के बारे में, बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर नमक की जैसे आप देखे हैं, यहाँ आपका लेते हैं पहले आपका यहाँ क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा न दिया है आपका, मैं दिया है और फिर से क्या दिया है, तो यहाँ पर आप लेंगे नट पूजा, नट पूजा। अगला है महारास, ठीक है, यहाँ पर महारास है, महारास राज है, सॉरी महाराज है, ठीक है, महाराज यहाँ पर सॉरी महाराशि है, ये महाराशि रखेंगे, ठीक है। तीसरा है आपका कैसे आपका होता है, इसमें देख लेंगे कली गोपाल, कली गोपाल। नेक्स्ट देखेंगे आपके पास में है यहाँ, जी हाँ, तो आपका यहाँ पर हो चुका है। अभी देखेंगे असम राज्य के नृत्य में कौन कौन से आपके आते हैं, नमक से जुड़ा है, नए से नट पूजा है, मैं से महारास है, तीसरा आपका कैसे कली गोपाल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक ट्रिक की ओर, नेक्स्ट ट्रिक आपको देंगे, नमक से ही बनेगा। तो नेक्स्ट ट्रिक जो आपके सामने है वो कौन सी है, इसमें देखिएगा भारत किस किस में प्रथम राज्य स्थान पर आता है, भारत किस किस के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है। लीजिएगा ट्रिक है आपके पास में नमक, ठीक है। नैसे आप लेंगे यहां पर नारियल या नींबू, ठीक। दूसरा आप लेंगे यहां पर मैं से नारियल या नींबू आपके पास में यहां पर हो जाता है, माइका, ठीक है। दूसरा है माइक, ठीक है, ये है आपका अभ्रक को कहा जाता है, ठीक। तीसरा है आपका के, यहां पर आप लेंगे काजू या केला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास में चार ट्रिक हुई हैं, ये आपको कैसी लगी, कैसा रहा आपको, बहुत ही कम समय में आपने चार ट्रिकों को याद कर बहुत ही शानदार तरीके से, यानी कि नमक ही नमक आपने खाया और नमक ही नमक आपने आज हलाल किया है। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार निगम आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली शॉर्ट ट्रिक में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय। और हमारा जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों।